अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन जी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक हो। शुक्र है अल्लाह पाक दा, असा भी ठीक है। जहां भी रहन मेरे बहन भाई खुश ते आबाद रहन, खिलदे हंसते रहन। जिया परेशान अल्लाह सी इन्हें परेशान दूर करे, जी औलाद नहीं अल्लाह को नेक औलाद देवे। हिस्सा तो है ना कुर्बानी का गोश्त, इो मिले जरा हम पकें पैसे असा इो थाल पाए इो पकें हम बाला को दे। तो ये जवाद और मैं गए थे, आज कुर्बानी थी तो गोश्त ले आए थे कुर्बानी का। तो ये मम्मा ने अब धो लिया है तो इसको बनाएगी, तो हमें यही गोश्त मिला है जो ये पड़ा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्लाह पाक ने दे दिया है, तो यही भी काफ़ी है। बस छोटे छोटे बोटियां बना लो ना इनकी। तो ये जवाद ने भी, जवाद तूने कितना गोश्त इकट्ठा किया था? मैं जवाद मेरे साथ गया तो ये तो ले नहीं सकता था, क्योंकि सही है नहीं, आगे रश होता था इसीलिए फिर ये पीछे ही खड़ा रहता था जवाद। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने सपोर्ट करना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और आप सब बहन भाइयों ने हमारी वीडियो मुकम्मल वाच करनी है। तो मम्मा अब ये गोश्त काट रही है तो इसको बनाएगी अब। और आप सब बहन भाइयों को ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद है तो ईद की खुशियां आप सब बहन भाइयों को मुबारक हों। सानिया तू भी लेने गई थी गोश्त? हैं तो नहीं गई थी, तो गारी थी। जवाद कितनी गोश्त खाएगा? मैं सारा। सारा तू खाएगा? हाँ। हैं? हाँ। सारा खा जाएगा? इतना बड़ा तेरा पेट है? हाँ। खासी। हाँ। वैसी। और सानिया कितना खाएगी? क्यों? हाँ। तू क्यों नहीं खाएगी? हाँ। क्यों हैं? नी बांधी? तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़। और मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते और मुस्कुराते रहें। जिनकी परेशानियाँ अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर करे, और मेरे जो बहन भाई परदेश हैं जहाँ भी हैं अल्लाह पाक उनको सदा सलामत रखे। हम तो ये अम्मी तो गोश्त बनाती रहेगी, पहले काटेगी फिर ही बनाएगी, तो वीडियो फिर इतनी लंबी हो जाएगी। तो आप सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़।